जहां बैती है टिस्टा रंगित, जिसका कंचन जंगा है सिर, जो धरती हमेशा पैदा करती है गोरखाली वीर। उस पवित्र भूमि सिक्किम से मैं नरेश छेत्री, आज के उपस्थित हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी सर, हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग सर और सभी अतिथिगण, मेरे युवा साथियों, आज मैं अपनी विषय भारत देश की G20 में अध्यक्षता, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, भारत कैसे विफल होता है ये इस दुनिया ने अच्छी तरीके से देखा है। कोविड के समय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस देश में सिर्फ जलती हुई लाशों को पूरी दुनिया को दिखाया है, आज भी ये दुनिया भारत देश को सिर्फ एक सपेरा का देश समझती है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, शक्ति ही शक्ति को इज्जत करती है, और आज हमें अपनी शक्ति दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह शक्ति किसी हथियार की शक्ति नहीं है, यह शक्ति किसी पर दबाव या शासन करने की शक्ति नहीं है, यह शक्ति तो वासुधैव कुटुंबकम के भाव में अहम ब्रह्मस्मि के ब्रह्म विद्या से एकम सत विप्र बहुद वेदांति के संदेश के साथ पूरी दुनिया को एक करने की शक्ति है। ये आज जब भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने ग्लोबल साउथ के ऐसे ऐसे देशों को निमंत्रण दिया है जो देश G20 के सदस्य नहीं है, इसे हम ये समझ सकते हैं कि जो आज विश्व फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में बढ़ चुका है, उसे वन वर्ल्ड बनाने का पहल भारत देश ने आज किया है। मेरे युवा साथियों, आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, लेकिन योग को हम सिर्फ एक शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं, लेकिन योग सिर्फ एक शारीरिक स्वास्थ्य में सीमित नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसकी माध्यम से हम पूरी दुनिया से एक हो सकते हैं, और G20 के अध्यक्ष होने के नाते आज इस विज्ञान को भारत देश पूरी दुनिया को उपहार के रूप में दे सकता है। भागवत गीता का एक श्लोक पूरी दुनिया को एक कर सकता है, जहां कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशु विश्वधम एष वो श्रेष्ठ काम धूका, मतलब ये पूरा संसारी एकता के भाव में निर्माण हुआ है, और इस दुनिया का हर एक समस्या का समाधान हम एक होके कर सकते हैं। हम एक होके जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, हम एक होके आने वाले हर एक संकट को रोक सकते हैं। आज हमें अपनी छोटी बड़ी उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना होगा। आज हम हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, आज हम ग्रीन एनर्जी में तरक्की कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे UPI के बारे में, जब उदयपुर में G20 का पहला बैठक हुआ, तब दुनिया भर से आए हुए हमारे अतिथियों ने UPI का उपयोग करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, और उन्होंने समझा कि ये UPI कितना आसान है, और ये साधारण सा पहल हमारी UPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है। आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, लेकिन आज हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां से हम सस्टेन नहीं हो पाते, तो आज हमें रीजेनरेटिव डेवलपमेंट की आवश्यक है, जिसका उदाहरण है इस देश का छोटा सा राज्य सिक्किम। हाल ही में वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम सिंह तामंगोले जी के नेतृत्व पे वहां पर एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है मेरो रुख मेरो संतति। इसका मतलब हर एक बच्चे का पैदा होने से एक पौधे लगाना अनिवार्य है, और सिक्किम भारत देश का पहला और पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला राज्य है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम
जमीन से जुड़कर, मिट्टी से जुड़कर, पर्यावरण के साथ एक होकर, पूरे जीव जंतु को साथ में लेकर वासुधैव कुटुंबकम के भाव में आगे बढ़ सकते हैं। इसका उदाहरण इस देश का छोटा सा राज्य सिक्किम है। और ऐसे छोटी बड़ी उपलब्धियों को आज हमें दुनिया के सामने लाना होगा और दुनिया को बताना होगा कि आज भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट ही नहीं है, एक ऐसा कॉम्पिटेटिव फोर्स है जो पूरी दुनिया को सही नेतृत्व और सही मार्गदर्शन देने का सामर्थ्य इस देश भारत में है। मेरे युवा साथियों, हम वासुधैव कुटुंबकम के भाव में पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, लेकिन इस परिवार में भी अगर कोई शकुनी बन के आगे आएगा तो उसको हम कृष्ण बन के समाप्त भी करेंगे, क्योंकि आज का भारत सिर्फ आदर्शवाद भारत नहीं है, आज का भारत यथार्थवाद भारत है। हम कभी शंकर बन के खुद विष पीकर दुनिया को अमृत प्रदान करेंगे, तो कभी हम कृष्ण जैसे अटूट बनकर अस्तित्व की रक्षा भी करेंगे। तो मेरे युवा साथियों, हम सदियों से पूरी दुनिया को एक परिवार मानते आए हैं और इस बड़े परिवार को एक भविष्य की ओर ले जाने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए इस बड़े परिवार को एक भविष्य की ओर ले चले, आगे बढ़ चले। जय हिंद, जय मां भारती, जय सिक्किम। धन्यवाद।